वेलकम टू जर्मनी का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड आज हम लोग हैं ओबरगांव, है ना? ओबरगांव एक गांव है और एकदम ही गांव है क्योंकि यहां पर हमें ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला सुबह से. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर पहाड़ों में है ये गांव. और हाँ, ये हमारा होटल है और पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं. और अब हम लोग जा रहे हैं इप्से. चले इप्से, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जर्मनी का जो है वो इप्से है. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और अगर मौसम ने साथ दिया तो शायद ऊपर भी जा सकते हैं. ऊपर मतलब कि टॉप ऑफ जर्मनी. एंड उसका उस जो नाम है उसको बोलते हैं जुगस्पिट्से. यहाँ पर इप्से में, अभी हम लोग ओबर गांव में थे तो वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था हमारे टाइप का खाने के लिए. बहुत ही एक दो दुक्के तिक्के रेस्टोरेंट थे जो जिसमें बवेरियन फूड मिलता है. बवेरियन मतलब बवेरिया यहाँ का स्टेट है, तो यहाँ का जो लोकल फूड मिलता है. अब दीपक यहाँ पर गार्मिश क्योंकि बहुत टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर पिज्जा हट भी है, सबवे भी तो सब है, तो और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं. रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, पहाड़ है सारी तरफ, सॉरी, और बीच में ये टाउन है. तो ऐसा लग रहा है कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम लोग सीधे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं. कैसी लग रही हूँ मैं फॉल में? मैंने पिंक पहना हुआ है. देखो यहाँ पर फॉल स्टार्ट हो गई है. बढ़िया मजा सा आ रहा है क्योंकि थोड़े थोड़े पत्ते जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो गए हैं और ये ऐसे जादुई इफेक्ट देता है. देखो और ये देखो इस तरीके के घर हैं यहाँ पर. हर थोड़ी दूर में आपको इस तरीके के घर दिखेंगे. और ये जो भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो अक्टूबर फेस्ट होता है या जो समर फेस्ट होते हैं उसमें लोग जो हैं ये इस तरीके की ही ड्रेसिंग करे रहते हैं. और अगर आप एक ऑथेंटिक बवेरियन या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट में जाओगे, जर्मन रेस्टोरेंट में, तो उनकी भी जो ड्रेसिंग होती है वो ऐसी ही होती है. अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टी एंड कॉफ़ी स्पेशल. ठीक है, स्पेशल यहाँ की टी एंड कॉफ़ी है. ये सोच के आप चाय पीने अंदर मत चले जाना. चाय के नाम पे क्या मिलता है दीपक? यहाँ वो मतलब सिर्फ पानी में वो जो उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी होती है. मेरे साथ दीपक ये बहुत बार धोखा हुआ है. लिखा रहता है वी हैव स्पेशल टीज एंड ऑल. अब मैं घुस गई और फिर मैं उनसे बोला भैया जे चाहिए और जे लेकिन लेकिन जर्मन जो कैफेज होते हैं उसमें एक टी होती है जो अपनी इंडियन टी जैसी ही होती है, योगी टी. तो आप वो ले सकते हैं इनका. हाँ, इन केस इफ यू वांट टू ट्राई. मुझे तो मेरा पिक्चर परफेक्ट, वीडियो परफेक्ट पॉइंट मिल गया है. और मैं आपको बता देती हूँ, इस जो लेक है इसका नाम है एब्जे. एब्जे जो है वो जर्मन में बोलते हैं. और ये ग्रीन कलर का लेक है और इसमें ये जो पहाड़ों का रिफ्लेक्शन और पहाड़ों की वजह से ये लेक बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ये बायन एरिया में है तो मतलब एल्प्स के बहुत पास है, तो इसकी वजह से भी ये बहुत ब्यूटीफुल है. पर यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं ना, ये पूरा एक सर्कल है जहाँ पर लोग वॉक करते हैं. बहुत बड़ा है तो आपको वो दूर दूर तक दिख रहा है, बहुत किलोमीटर का है. वहाँ पर वॉक करते हैं और बीच बीच में बहुत बहुत अच्छे पिक्चर परफेक्ट पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोग फोटो खिंचा सकते हो. और वो जो फोटो होते हैं ना, वो पता है ऐसे आते हैं जैसे नीचे से ग्रीन कलर की किसी ने लाइट लगा दी हो. बहुत ही खूबसूरत लेक है यार. तो गाइज अब हम लोगों ने बहुत अंदर तक चले गए थे, फोटोज लिए नहीं खिंचवाए क्योंकि हर जगह कोई ना कोई है. अब हम लोग जा रहे हैं जुगस्पिट्स क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी हम अच्छे खुले मौसम में वो देख लें. तो लेट्स गो वहाँ पर. और ये जगह कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना. गाइस हम लोग पहुँच गए जुगस्पिट्स और यहाँ पर चल रही है बहुत तेज हवा. ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में सीधे पधार गए. आओ थोड़ा हम आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल.
एंड बाय टू जुक्समिथ.